बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कीमा और सब्ज़ी के साथ से पास्ता बना रही हूँ। ये मैं चिकन में भी बनाती हूँ, लेकिन आज मैं कीमे में बना रही हूँ। बहुत आसान रेसिपी थी ये। आधा किलो के करीब मेरे पास कीमा है। इधर ये मैं फ्रोजन सब्ज़ी इस्तेमाल कर रही हूँ, फ्रेश हो तो वो डाल रही हूँ। टमाटो पेस्ट और ये भी टमाटो पेस्ट ही है, ये ऐसा कटे हुए टमाटो जो होते हैं वो। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इस तरह के होते हैं, लेकिन छोटे छोटे इसके अंदर टमाटर कटे हुए ये डाल रही हूँ। ये खुला पड़ा था मेरे पास, मैंने इस्तेमाल किया था कि बचा था, ये भी डाल लूँ, कुछ मैं ये शामिल करूँगी। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी दी है ये। अगर पास्ता अगर मैंने पास्ता उबलने के लिए रखा हुआ है, इसमें मैंने ऑयल और नमक डाला। बहुत ही आसान सी रेसिपी दे रही हूँ। सबसे पहले दिखा देती हूँ कि ये आधा किलो कीमे में मैंने एक प्याज बड़े साइज का वो डाला है। तो अब इसमें मैं लहसुन का पाउडर, काली मिर्च, इस तरह सादे से मसाले इस्तेमाल करूँगी। मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। ये मुख्तलिफ़ पास्ते मैं बनाती रहती हूँ, कभी चिकन का, कभी सब्ज़ी का। तो आज बच्चों की पसंद के लिए मैं बना रही हूँ कीमे का। ये अच्छे से फ्राई हो जाता है तो उसमें भी बाकी चीज़ें शामिल कर। सब्ज़ी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये इसमें ये गोभी भी है, गाजरें, मटर और ये मकई, ये सारा पैकेट इसमें शामिल कर लेती हूँ। फ्राई हो गया। इनको अच्छी तरह फ्राई करके इसमें, तो फिर बाकी चीज़ें मैं शामिल करती हूँ। मैं को अच्छी तरह भून लिया सब्ज़ी के साथ है। अब इसमें शामिल करते हैं ये जो मैंने अभी दिखाया टमाटर पेस्ट कह लें, ये कैन के टमाटर हैं, इस तरह छोटे छोटे इसमें पीस देते हैं। तो थोड़ा सा मैं दूसरा डालती हूँ। ये दोनों टमाटर पेस्ट मैंने डाल दी। अब इसमें हल्के हल्के मसाले शामिल करते हैं। काली मिर्च एक टीस्पून भर के, ये थोड़ी सी सुरख मिर्च, ये तेज़ नहीं है, पापरिका पाउडर, और अब इसमें लहसुन का पाउडर। ये लहसुन का पाउडर एक टीस्पून। ये सारे मसाले मैं घर के ही इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा इटालियन लो, ये थोड़ा सा इसमें हल्का सा मसाला डालूँ जो आपके पास हो। काली मिर्च, नमक और ये लहसुन पाउडर, अगर पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से भूनती हूँ, फिर पास्ता शामिल करती हूँ। इधर आपको एक टिप देती चलूँ कि पास्ता जब मैंने उबाला तो ये उसका पानी, ये मैंने एक कप निकाल दिया, ये साथ साथ थोड़ा थोड़ा डालती हूँ। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट बनता है पास्ते का। रेस्टोरेंट में जो बनाते हैं वो इस तरह ही पास्ते का पानी डालते हैं। ये देखिए आप कितना अच्छा इसका कलर आ गया। थोड़ा सा और भूनती हूँ, फिर मैं इसमें पास्ता शामिल करती हूँ। नमक मैंने कीमा भूनते होकर डाल दिया था, अभी कमी बेशी हुई तो बाद में डाल लूँगी। थोड़ा सा मैं इसे ये वाला मसाला डालूँगी, ये भी इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट है। ये अच्छी तरह से भून गया, अब इसमें पास्ता शामिल करते हैं। इधर आपको एक टिप देती चलूँ कि पास्ता जब मैंने उबाला तो ये उसका पानी, ये मैंने एक कप निकाल दिया, ये साथ साथ थोड़ा थोड़ा डालती हूँ। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट बनता है पास्ते का। रेस्टोरेंट में जो बनाते हैं वो इस तरह ही पास्ते का पानी डालते हैं। ये देखिए आप कितना अच्छा इसका कलर आ गया। थोड़ा सा और भूनती हूँ, फिर मैं इसमें पास्ता शामिल करती हूँ। नमक मैंने कीमा भूनते होकर डाल दिया था, अभी कमी बेशी हुई तो बाद में डाल लूँगी। थोड़ा सा मैं इसे ये वाला मसाला डालूँगी, ये भी इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट है। ये अच्छी तरह से भून गया, अब इसमें पास्ता शामिल करती हूँ।
ये आखिर में सब्ज़ प्याज मैंने इस तरह ग्रीन वाला पार्ट ये डाला है। नमक जो आपने इस तरह का बनाना है, काली मिर्च का इस्तेमाल किया मैंने इसमें, और नमक अगर इस स्टेज पे आप चेक करना चाहते हैं हल्का सा डाल सकते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा कम था उसकी जगह मैं ये डाल रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ ये इस तरह का, तो इसमें नमक भी होता है तो ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, जो कमी बेशी की हो काली मिर्च और डालनी हो अपने हिसाब से आप मसाले इस्तेमाल कर लें। तो अब इसको ढकना दे के 10 मिनट हल्के चूल्हे पे रखती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। बस 5 मिनट जो कसर है, पास्ता का जो पानी था वो मैंने साथ साथ इसमें डाल दिया है। ये देखें लीजिए नाज़रीन, पास्ता तैयार है। ये बहुत ही मज़े का बना है, ये कीमे का मैंने आज बनाया है, कभी मैं चिकन का बना लेती हूँ इस तरीके से, तो आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।